वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे केक, क्रिसमस के लिए स्पेशल केक। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल सूजी ले ली है। आप चाहें तो आधा सूजी और आधा मैदा ले सकते हैं, लेकिन मैं एक कटोरी जो है सूजी ले रही हूँ। आपको यही रेशो रखना है, जितना आप दूध लेंगे उतना ही आप जितना आप सूजी लेंगे उतना ही आपको दूध लेना है। तो मैंने एक कटोरी जो है सूजी ली है, तो मैंने इसमें एक कटोरी ही दूध डलेगा। पहले मैं थोड़ा सा दूध जो है रख लूँगी, एक कटोरी से थोड़ा कम दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। उसके बाद हम आधी कटोरी जो है मलाई या मक्खन लेंगे। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर दिया है, साथ में थोड़े से ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के इसमें ऐड कर दिए है, जो हमने मिक्सी में सूजी हमारी ग्राइंड की थी वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और जो बचा हुआ दूध था हमारा, थोड़ा सा एक कटोरी दूध लिया था हमने, जो बचा हुआ दूध था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में जो हमने चीनी है आधी कटोरी, एक कटोरी सूजी ली है तो आधी कटोरी इसमें चीनी जाएगी, वो हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं या फिर सिंपल ले सकते हैं। बस अच्छी तरह से इसको फेंट लें। फेंटने से जो है इसकी स्पंज बहुत अच्छी बनेगी। और मैं इसमें 2 इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर से भी केक बहुत अच्छा बनता है। अब हम अपना जो कुकर है बेकिंग के लिए वो तैयार कर लेंगे। अब हमने बेकिंग में यूज़ किया वो नमक जो है कुकर के अंदर डाली है। साथ में हमने कोई भी स्टैंड या कोई भी आप कटोरी लगा सकते हैं। और साथ में हमने जो बेकिंग के लिए जो हमारा वो बेकिंग के लिए बर्तन है वो भी हमने तैयार कर लिया है। उसमें हमने बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर आटा और तेल लगाकर इस तरीके से आप घुमा लीजिए, तो आपका जो बेकिंग का बर्तन है वो तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसमें सारा घोल डाल दिया है, साथ में ऊपर से चेरी से थोड़ा गार्निश करूंगी। थोड़े से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। जो हमारा बेकिंग का घोल है वो रेडी हो चुका है, और हमारी हीट हमारा जो ओवन है वो भी तैयार हो चुका है। उसके अंदर हम रख देंगे कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए, और हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। हमारा केक जो हम थोड़ा सा चेरी थोड़ी सी और ऊपर इसके डालकर गार्निश करेंगे, और हमारा जो सूजी का केक है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब